सच्चा दोस्त कौन? जिनके साथ घूमने जाते हैं वो सच्चा दोस्त है, या जिन्हें रोज पार्टी देते हैं वो सच्चा दोस्त है, या जो आपकी तारीफ करते रहते हैं वो सच्चा दोस्त है, या वो जो आपके हाँ में हाँ मिलाते हो वो सच्चा दोस्त है, या वो जिनके साथ आप सुट्टेबाजी करते हैं वो सच्चा दोस्त है, या वो जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर करते हैं। आखिर कौन है एक सच्चा दोस्त, तो ये जान पाना थोड़ा कठिन है। जान तो लेते हैं कौन है सच्चा दोस्त, पर सही वक्त पर पता नहीं चल पाता है, जिसका काफी अफसोस होता है। सही वक्त पर सही दोस्त को पहचाना बहुत अहम है, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उनके ही जैसे हम बनते भी हैं। इसीलिए एक अच्छे और सच्चे दोस्त कौन है पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी आधे से ज्यादा लाइफ यूं ही निकल जाती है। एक सच्चा दोस्त वो है जो आपकी गलतियों पर बोले, आपको रोके, आपको जरूरत पड़ने पर आपसे लड़ाई भी कर ले, पर आपको गलत काम नहीं करने देगा। एक सच्चा दोस्त जरूरत पड़ने पर आपको काम की तारीफ भी करेगा और गलत होने पर बोलेगा कि ये काम तूने गलत किया, चाहे फिर आपको अच्छा लगे या ना लगे। एक सच्चा दोस्त आपको सच्चाई से रूबरू करवाता है, चाहे फिर सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। आपको तकलीफ भी होगी पर आपको झूठी तसल्ली नहीं देता है। एक सच्चा दोस्त आपके लिए हर समय तत्पर रहता है, भले ही आप रोज ना मिलो पर जरूरत पड़ने पर, तकलीफ होने पर सबसे पहले आगे आकर सीना ताने चट्टान की तरह झाल बनकर खड़ा होता है। एक सच्चा दोस्त वो है जब आप हिम्मत हार रहे हो, हौसला हार रहे हो, तो आपको हारने नहीं देता है, आपके अंदर जुनून भरता है, आपको आपकी जिंदगी का मकसद बताता है, आपको तैयार करता है एक योद्धा बनने के लिए। एक सच्चा दोस्त आपसे झूठ नहीं बोलता है, झूठी तसल्ली नहीं देता है। एक सच्चा दोस्त वो है जो आपकी तारीफ पीठ पीछे करता है। सामने तो तारीफ लोग आपको फुलाने के लिए करते हैं, झूठी तारीफ होती है, सच्ची तारीफ तो वो होती है जो आपके पीठ पीछे होती है। एक सच्चा दोस्त आपकी तारीफ आपके पीठ पीछे करता है, ना कि आपको फुलाता है सामने तारीफ करता है। एक सच्चा दोस्त आपके हर बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, जिस बात पर हाँ बोलना है वहाँ हाँ बोलते हैं, जिसमें नहीं बोलना है वहाँ ना बोलते हैं, और हम फिर ये समझने लगते हैं कि मेरा दोस्त मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो ये मतलब मेरा अच्छा नहीं सोचता, मेरा भला नहीं सोचता, मेरा बुरा सोचता है। मन में कड़वाहट पैदा हो जाती है उसके प्रति, जो कि ये गलत है। एक सच्चा दोस्त हमें सही और गलत के बारे में बताता है, हर चीज में हाँ मिला देगा, तो फिर कैसे समझ में आएगा कि कौन सच है, कौन सही और कौन गलत है। इसलिए लेकिन हमें वो चीज़ें चुभने लगती, जो हमें हमारी बातों में हाँ मिलाते, हम उसे अपना अच्छा और सच्चा दोस्त समझने लगते, लेकिन वही दोस्त आपको पीछे छोड़ते हैं, आपको झूठी तारीफ करके, आपके हाँ में हाँ मिला के आपको वहाँ तक आपको महदूद कर देते और खुद आगे निकल जाते हैं आपको छोड़ करके। एक सच्चा दोस्त आपकी गलतियां इसलिए नहीं निकालते हैं कि आपको नीचा दिखा सके, नीचा साबित कर सके, बल्कि इसलिए दिखाते हैं, इसलिए निकालते हैं ताकि इन गलतियों से सीखकर आप परफेक्ट बने। एक सच्चे दोस्त के सामने आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या आपको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कुछ बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जैसे हो बेस्ट हो उसके लिए, चाहे जैसे मर्जी उसके सामने रहो, जैसे मर्जी उसके सामने खाओ, जैसे मर्जी उसके साथ बोलो, कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं, ना ही कुछ प्रूफ करने की जरूरत है। एक सच्चा दोस्त आपके पास सिर्फ मतलब के लिए नहीं आता है, उससे ये ज़रूरत है तो जाते हैं। दोस्ती का मतलब ये थोड़े कि आपको या मेरे को सिर्फ ज़रूरत है तो बात करें, ये तो सिर्फ बिजनेस हो गया ना। सच्चे दोस्त की दोस्ती निस्वार्थ होती है, नेचुरल होती है। जब बात करें तो घंटे निकल जाते हैं बात करने में, बातें भी ऐसी होती है जो बहुत ही मीनिंगफुल होती है। कोई इधर उधर की बातें, इसकी इसकी बातें, उसकी बातें, इसने ये किया, उसने वो किया, ना ये सब नहीं, मीनिंगफुल,
लाइफ से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड, क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, क्या होना चाहिए, इन सब बातों पर डिस्कशन होती है, ये सब बातें होती है। हाँ, मजाक मस्ती भी होती है, वक्त पर हर चीज होती है, वक्त पर मजाक मस्ती का हम टाइम है तो मजाक मस्ती भी, लेकिन जहाँ पे सीरियस होना है, जहाँ पे सजेशन देना है, जहाँ पे गाइडलाइन करना है, वहाँ पे वो सब भी होती है। एक सच्चा दोस्त वो है जिनसे आप रोज ना भी मिलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल में कोई आपके प्रति गलत बातें, गलत भावना पैदा करके नहीं बैठे रहता है, सोचता है हाँ वक्त नहीं है, नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलो या ना मिलो रोज, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने दिल में उसे कितना जगह दे के रखे, उसे क्या समझते हो, क्या नहीं समझते हो, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, मैटर इससे करता है, ना कि रोज मिलने से मैटर करता है। एक सच्चे दोस्त में अटूट विश्वास होता है, मेरा और तुम्हारा उसमें नहीं होता है, जो होता है हमारा होता है। एक सच्चा दोस्त जितना अपनी कद्र करता है उतनी ही उसकी फैमिली की भी कदर करता है, इज्जत करता है, उसके लिए खुद की फैमिली, दोस्त की फैमिली इक्वल होती है। एक सच्चा दोस्त आपका मेंटोर होता है, आपका गाइडर होता है, आपको जिंदगी के आखिरी वक्त तक आपका दोस्ती निभाता है, आप पर और आपके सपनों पर ट्रस्ट करता है, आपको पंख देता है हौसलों को उड़ने के लिए, सपनों को हकीकत बनाने के लिए। दोस्त का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ पर, इसीलिए हजार दोस्त से बेहतर है कि एक ही दोस्त बनो जो सच्चा हो और रियल फ्रेंड हो। जब दोस्तों के साथ होते हैं पता नहीं चलता है कौन रियल फ्रेंड है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो एक एक करके सब साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए एक कहावत भी है कि लोगों की पहचान वक्त पर होती है, लेकिन जब दोस्तों की असलियत पता चलती है तो बहुत तकलीफ होती है यार, सीने में चुभती है। इसलिए पहले ही समझ जाओ, पहचान लो कौन है रियल फ्रेंड, कौन आपका भला चाहता, कौन आपके लिए सच्चा फ्रेंड है, पहचानिए। तो वक्त भी जाएगा और वक्त आने पर साथ भी ना मिलेगा, झूठी तारीफ करके आपको पीछे छोड़ देगा, खुद आगे निकल जाएगा। इसलिए वक्त रहते संभल जाइए और आइडेंटिफाई कीजिए हु इज योर रियल फ्रेंड और योर ट्रूथ फ्रेंड। ओके, मैं निगार सुल्ताना उम्मीद करती हूँ आपकी जो भी विश है वो जरूर पूरी हो और मुझे इस पर यकीन है।